यही कि जस्ट अच्छे से खेलना, रोकर मत आना। अरे कभी कभी दूरियां जो है वो प्यार को और बेहतर और बढ़िया बना देती है। पहली बार मैं इतनी दूर रहूंगी। हाँ शायद। I haven't stayed alone. यही कि जस्ट अच्छे से खेलना, रोकर मत आना, एंड ऑब्वियसली विनिंग इज इम्पॉर्टेंट बट फाइटिंग इज ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट। अब हो रही है, अब मुझे सिंक इन, अब तक तो मुझे लग रहा था यार आई एम अ स्टार, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि नो इट्स गेटिंग रियल। सो या अब थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस होनी शुरू हो गई है। हाँ जी, एडवाइस तो मुझे लगता है कि बस यही है कि जो करो अच्छे से करना, दिल लगा के करना, है ना, हिम्मत मत हारना, किसी भी टास्क को बीच में मत छोड़ना। मुझे लगता है कि वो ही एक जीतने का सबसे, जीतना हारना ठीक है चलता रहता है, लेकिन बाद में कभी ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने वो टास्क पूरा नहीं किया। टास्क पूरा करो, बाकी तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस करके आओ मजे। पहली बार मैं इतनी दूर रहूंगी। हाँ शायद। आई हैवंट स्टेड अलोन। शादी के बाद अभी तक तो ऐसा मौका लगा नहीं कि हम दोनों इतना एक दूसरे से दूर रहे। खैर ये भी एक एक्सपीरियंस होगा, है ना, कभी कभी दूरियां जो है वो प्यार को और बेहतर और बढ़िया बना देती है। अरे बहुत एक्साइटमेंट, इतनी सारी चीज़ें सीखने मिलेगी उनसे, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो बोलते हैं इज अ टास्क मास्टर, सो यू वॉन्ट टू लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम हिम। आप ही बोल दो, मैं तो बोल चुकी हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि सब लोग दुआओं में याद रखो, है ना, ब्लेसिंग्स देते रहो। आप लोगों की दुआओं की वजह से, उस करेज की वजह से, हौसला अफजाई की वजह से ये आज यहाँ है। हम सब लोग मिलके ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि ये और अच्छे से आगे जाके परफॉर्म करे, आप लोगों का दिल जीते, और बस खुश रहो, मुस्कराते रहो। थैंक यू। मैम कैमरा। क्या कहना चाहेंगे, रोहित जा रही है आज खतरों के खिलाड़ी बनने, क्या एडवाइस आप लोगों के दिए? मैं पर्सनली बहुत घबराया हुआ था, दे हैव जस्ट नॉट टेल्ड मी एनीथिंग टिल द लास्ट मोमेंट, नाउ सी इज गॉन। मैंने कहा एंजॉय करके आओ, डू व्हाट एवर यू आर टू डू एंड स्पेंड योर टाइम विथ ऑल योर पावर। अरे आपने क्या एडवाइस दी उनको जाने से पहले, कुछ बोला ये करना वो मत करना? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी इतनी स्ट्रांग है कि आएगी। अरे एवरी डे ऑलमोस्ट एवरी डे, सी इज चुलबुली गर्ल फॉर मी, ये भी मेरी बच्ची है, लेकिन सी इज समथिंग स्पेशल टू फॉर मी, सो विल डेफिनेटली विल मिस हर। डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। मैंने कहा मरना सिर्फ एक बार है जिंदगी में, एंजॉय करके आना और नई पावर लेके आना। विनिंग इज नॉट माय ब्रेड एंड बटर, बट यू शुड एंजॉय योर डेज, योर टाइम। छिपकली एंड कॉकरोच, बहुत डरते हैं दोनों से। ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यस। आई जस्ट सेड but which I cannot speak on the mic. Being a father, I could not expect ki she will do like this, but jab selection ho gaya aur news spread ho gayi uske baad mein, uske baad mein chupaya gaya baqaida, lekin jab laga ki ab jana hi padega to fir main na kar raha tha ki don't risk mat khelo, रिस्क नहीं लो लाइफ के बारे में, लेकिन सी सेड आई वांट टू डू इट, आई सेड ओके, नाउ यू डू इट सो यू फिनिश इट। हम लोग साथ में थे, वी आर इन टू अवर नेटिव प्लेस राजस्थान। लास्ट
मैं तो एक ही बात कहा मैंने अपने बच्चे से कि आप इंजॉय करके आइए, एक नया किरदार अपने आप में भर के लाइए। विनिंग इज नॉट अ माई ब्रेड एंड बटर, लेकिन आप एक सक्षम लेडी बन के आइए। दैट्स व्हाट आई सेड। थैंक यू।